हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम लगभग मध्य प्रदेश जीके के 2000 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में आज तक आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को आप कवर कर लेते हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो जितने भी आगे नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे मध्य प्रदेश का अभी SI का आ सकता है, और जिसे पटवारी का आ सकता है, और भी जितने विभिन्न एग्ज़ाम हैं वन विभाग का, सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों से मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश के जो सीमाएं हैं वो लगभग 5 राज्यों से मिलती हैं। एक मिनट थोड़ा मार्क लेना। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों से नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों से नहीं मिलती हैं। तो ये आंसर हो जाएगा अपना उड़ीसा, आंसर नंबर सी। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के एक इस साइड है उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है, एक साइड उत्तर प्रदेश हो गया, एक साइड है राजस्थान है मध्य प्रदेश के, ठीक है, इस साइड हो जाता है गुजरात हो जाता है, नीचे साइड मध्य प्रदेश के जो होगा महाराष्ट्र हो जाएगा, और इस साइड जो होगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है। तो अभी भी हम बताया 5 राज्यों से मिलती है, इसको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थैंक यू, सेलेक्ट नहीं हो। ठीक है, देखिए अगला है, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश को और कई नाम से जाना जाता है, जैसे वो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना गुजरात। ये अभी अभी बताया था, कुछ समय पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश के देखो पूर्वी राज्य में कौन सा आ जाएगा, पूर्वी पूर्वी साइड आ जाता है छत्तीसगढ़, पूर्वी साइड आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जा रहा था, और इधर साइड उत्तर प्रदेश आ जा रहा था, इस साइड आ जा रहा था मध्य प्रदेश का। नक्शा लगभग ऐसे ही बनता है, ऐसे जाता है लगभग ऐसे ही है, और ठीक है। तो इस साइड ये राजस्थान आ जा रहा है, इस साइड जो ये पश्चिमी साइड है, ठीक है, पश्चिमी साइड आ जाता है गुजरात, गुजरात आ जाएगा पश्चिमी साइड, ठीक है, और जो नीचे साइड आएगा वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन सा स्थान है। इस समय की बात कर रहा है, तो इस समय भारत में जो मध्य प्रदेश का है क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान है। पहला स्थान है राजस्थान, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है, और सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है। तभी भी बताया गया था थोड़ी देर पहले कि मध्य प्रदेश राज्य जो है 5 राज्यों से सीमा बनाता है, इसमें कौन सा नहीं, इसमें आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में है महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो ये बताना है कि कौन से जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं टच करती है। सिहोरपुर की, सिहोरपुर की सीमा उसको टच नहीं करती है उत्तर प्रदेश को, ठीक है,
श्योरपुर के टच किसे कह रही है, कि श्योरपुर देखिए ऊपर साइड है, मुरैना के बगल में ही है, तो ये राजस्थान को टच कर रही है, इसको राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र आता है वो आता है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं? तो ये सबसे ऊंची चोटियां मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मध्य प्रदेश में किस भाग में सबसे अधिक चोटियां पाई जाती हैं, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मैं आप थोड़ी देर पहले ही बताया, मध्य प्रदेश राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था राज्य पुनर् आयोग के उस पर हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भूवैज्ञानिकी संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टाने कौन सी है? तो ये प्राचीनतम चट्टाने हो जाएंगी आर्कियन चट्टाने हैं, सबसे पुरानी चट्टाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बता देंगे कि उड़ीसा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा बी हो जाएगा, सॉरी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि मध्य प्रदेश के जो कितने राज्यों को टच करते हैं, जिले राजस्थान के 10 जिलों को टच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य महाराष्ट्र नीचे साइड है, तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा देवास, देवास महाराष्ट्र के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार, जो मालवा का पठार है उसको 2 भागों में विभाजित करती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये महादेव पहाड़ी पे स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी महादेव पहाड़ी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य कौन सा विशालतम राज्य? तो इस समय मध्य प्रदेश जो भारत का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की इस तरफ से, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकाल राजधानी थी, तो हमें बताना है वो कौन सा स्थान है जो सिंधिया परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो ऑप्शन बी शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? तो ये हो जाएगा सतना, सतना जो है रीवा संभाग में आता है, ऑप्शन डा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो ये हो जाएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर इन 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा कर साझा करता है, ये होता है गुजरात और महाराष्ट्र के साथ, इन 2 राज्यों के साथ, लेकिन गुजरात राज्य हो जाएगा और अगला जो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन से 2 राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश के ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कि मध्य प्रदेश के दक्षिण महाराष्ट्र दक्षिण में है और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए एन एम में पूछा गया क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? ये ऑप्शन बी है उज्जैन और इंदौर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो ये हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली जो जिला है मध्य प्रदेश का, वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? इंदौर को मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो हमें बताना है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा नहीं है। ये हो जाएगा पश्चिमी पठार। कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूर्व हिस्सों को जो ढकता है वो हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी का जो पठार है वो तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को ढकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें कौन सा स्थल, चार ऑप्शन में मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर मंदिर या फिर सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो होगा ये स्थित है गुजरात में स्थित है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, राम मंदिर। नेक्स्ट है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी है इंदौर, सी है जबलपुर और डी जो है मांडू। तो संगमरमर की चट्टानों के लिए जो फेमस है वो है जबलपुर। सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? कौन सा शहर मध्य प्रदेश के सिंधु गंगा के मैदानों में है? ऑप्शन ए जो है ग्वालियर है, बी इंदौर, सी भोपाल और डी जो है जबलपुर। इसमें ए ऑप्शन ग्वालियर सिंधु गंगा के मैदानों पे है। ठीक है, नेक्स्ट की जो भोपाल बसा हुआ है, भोपाल सात पहाड़ियों पर बसा है या पांच पहाड़ियों पे बसा है, एक पहाड़ी पर या दो पहाड़ी? तो भोपाल जो है वो पांच पहाड़ी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी प्री की 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल है, बी इंदौर, सी जबलपुर और डी उज्जैन। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को किस अलग नाम से जाना? बाघ राज्य के नाम से, या भालू राज्य के नाम से, या हाथी राज्य, या खरगोश नाम से? इसका आंसर हो जाएगा ए, बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सोया राज्य के भी नाम से जाना जाता है, हृदय प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में मध्य प्रदेश के राज्य की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के राज्य में उत्तर में कौन सा राज्य है? ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, ये हो जाएगा देखिए आप बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जैसे ये मध्य प्रदेश का मैप बनता है ना, ऐसे ऐसे ही बनता है। ठीक है सर, ये ऐसे, ठीक है, लगभग ऐसे चला जाएगा। इस साइड क्या होता है, उत्तर प्रदेश था, और इस साइड जो था राजस्थान था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को पहले जो है मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अमरकंटक जिला स्थित है, अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है? यानी अनूपपुर में, शाहपुरा में, भोजपुर या फिर इटारसी में? तो ऑप्शन ए अमरकंटक जो है जिला अनूपपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित दो राज्य, मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड जो स्थित हैं वो दो राज्यों के नाम मैंने बताना है। पूर्वी साइड की बात कर रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में कौन सा जिला है, सॉरी राज्य है, वो एक छत्तीसगढ़ है,
छत्तीसगढ़ सिंगरौली के पास ही छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं छत्तीसगढ़ एक ही मिल रहा है और ये झारखंड होगा। झारखंड अलग ही मध्य प्रदेश, ठीक है, वो टच नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है, पेशवा बाजीराव ने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ज्योतिबा फुले। तो मध्य प्रदेश का जो नाम दिया गया है वो दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, बी है मालवा, सी है बघेलखंड और डी है महाकौशल। तो ये ऑप्शन अपना हो जाएगा ए, छोटा नागपुर का पठार जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है, भारत का जो भौगोलिक केंद्र है वो कौन सा गांव है? तो ये जबलपुर के पास करोड़ी, ये ऑप्शन देवास के पास बांगली, बैतूल में अमला या फिर बैतूल का सहायकों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जबलपुर का, जबलपुर के पास करोड़ी जो गाँव है वो भारत के भौगोलिक केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है उसका नाम बताइए। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल उसका नाम बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा पचमढ़ी, बा है दार्जिलिंग, सा है गंगटोक और दा है गुलमर्ग। तो मध्य प्रदेश में क्या है? पचमढ़ी हिल स्टेशन है, तो ऑप्शन आ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी और विंध्य घाटी के दक्षिण भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो की कहा जाता है, नंबर आ निमाड़, नंबर बा विडमर, नंबर सा जो है जापर और नंबर दा जो होगा वो है नर्मदा। आंसर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आ निमाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? नंबर आ कह रहा है ग्वालियर, बा है इंदौर, सा है भोपाल और दा है जबलपुर। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आ ग्वालियर, ग्वालियर जो है शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मध्य प्रदेश के पठारों में सबसे गर्म माह है? कि मध्य प्रदेश में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? ऑप्शन ए है दिसंबर, बा है जो है अक्टूबर, सा है मई और दा है जो है मार्च। जैसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मई, मई जो होता है मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना होता है, ठीक है। ग्वालियर का पुराना नाम बताना है, ग्वालियर का पुराना नाम नंबर आ कह रहा है गोपीगिरी, बा है रेवांचल, सा है गीतांजलि और दा है ग्वादर। जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपगिरी, ग्वालियर का पुराना नाम है गोपगिरी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से स्पर्श करती है? यानी कि मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है गुजरात, बी कह रहा है छत्तीसगढ़, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश और डी कह रहा है राजस्थान। तो ये होगा राजस्थान के साथ, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाव है? मध्य प्रदेश में जो जना पाव चोटी है वो किस क्षेत्र का भाग है? नंबर आ कह रहा है बुंदेलखंड का पठार, बा कहता है रीवा पन्ना का पठार और शाह कह रहा है कि मालवा का पठार और दा कह रहा है सतपुड़ा के महकाल क्षेत्र। तो ऑप्शन सही हो सी हो जाएगा मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो ये भी हो जाएगा सी ऑप्शन मई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? नंबर ए है आ है सॉरी दो भागों में, नंबर बा जो है तीन भागों में, सात चार भागों में और द पांच भागों में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बा तीन भागों में बांटा गया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड के पठार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो ए कह रहा है सिद्ध बाबा की चोटी, बा कह रहा है जना पाँव चोटी, सा कह रहा है सिगार चोटी और द कहता है सहान चोटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सिद्ध बाबा की चोटी, ये जो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को कहा जाता है? मध्य प्रदेश में जो है पृथ्वी का केंद्र किस जगह को कहा जाता है? आ नंबर है नैनी को, बा है मंगलनाथ उज्जैन, सा नंबर है ग्वालियर, द नंबर है
बैतूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर, मंगलनाथ उज्जैन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन है, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? ए कह रहा व्यापार, बी कह रहा संगीत, सी कह रहा पर्यटन और डी कह रहा था कोई नहीं। इनमें देखो, व्यापार के नाम से इंदौर को जाना जाता है, ठीक है, संगीत संगीत को मैहर बोलते हैं, मैहर, और ये पर्यटन राजधानी जो होगी वो होती है अगला सा नंबर जो है पर्यटन राजधानी, पर्यटन राजधानी जो हो जाएगी वो कैसे कहते हैं, ग्वालियर को। ये ग्वालियर हो गई, ग्वालियर को पर्यटन, ठीक है। और जो जबलपुर को क्या बोलते हैं, जबलपुर एक संस्कार राजधानी या फिर इसको न्यायिक राजधानी बोलते हैं, ठीक है, न्यायिक राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा का हिस्सा नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। देश के क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आ कह रहा है 2% भाग, बा कह रहा है कि 5%, सा कह रहा है 10% एंड दा कह रहा है 15%। तो करेक्ट आंसर जो इसमें हालांकि मिल नहीं रहा है, लगभग 9.38% होता है। तो सा ऑप्शन लगभग इसके ना पास है, 9.38% भाग जो है मध्य प्रदेश पूरे भारत का कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कैमूर, मैकला और महादेव ये क्या हैं? ऑप्शन ए कहते हैं ये वन है, बा कह रहा है पहाड़ है, सा कह रहा है घाटी है और दा कह रहे हैं नदियाँ हैं, तो ये एक तरह के पहाड़ हैं। तो ऑप्शन बा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? ऑप्शन आ कह रहा है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, बा कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, शाह कह रहा है झाबुआ पर्वत और डा कह रहा है बुंदेलखंड का पठार। इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन आ है 12 जिलों से, बा है 10 जिलों से, शाह है 14 जिलों से और डा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सा, 14 जिलों से कर्क रेखा मध्य प्रदेश की गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैनी और महेशपति के प्रमुख नगर थे? जो उज्जैनी और महेशमति हैं वो किसके प्रमुख महत्वपूर्ण नगर थे? ऑप्शन आ है पूर्वी मालवा के, ऑप्शन बी है जो बा है पश्चिमी मालवा का, दा है उत्तरी मालवा का और सा है उत्तरी मालवा और दा जो है दक्षिणी मालवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा जो हो जाएगा पश्चिमी मालवा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी बोलते हैं मैहर को, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर। अगला क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं। तो देखो, चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, शेरपुर। तो अलीराजपुर जो होगा वो नहीं आता है इसका। तो ऑप्शन सा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की जो चोटी है वो किस जिले के अंदर आती है? आ कह रहा है सीहोर में, बा कहता है मंदसौर में, शाह कहता है होशंगाबाद और दा कहता है रीवा। ये जो धूपगढ़ की पहाड़ी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ये आ जाएगी होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो किस नाम से जानी जाती है? नंबर आ सिद्ध बाबा की चोटी, बा कह रहे हैं लाल राला मंडल, शाह कहता है सिगार चोटी और डा कहते हैं इनमें से कोई नहीं। दा तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सा नंबर, सिगार की चोटी जो होगी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? ये क्वेश्चन हालांकि पहले भी हो चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए स्टेट पुलिस सर्विस में 2014 में आया हुआ है। तो ये जो सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश उधर और जैसे ऐसे है उधर यूपी आ जाता है, उधर सीजी आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के जो उत्तर में उपजाऊ घाटियां हैं
और रोलिंग पहाड़ी उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आ कह रहा है कि मालवा, ब कहता है छोटा नागपुर, सा कह रहा है बुंदेलखंड और दा कह रहा है अंगारा। करेक्ट ऑप्शन होगा बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन आ कहता है विंध्य, ब कहता है शहाद्री, क्या कहता है सतपुड़ा और दा कहता है नीलगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विंध्य की पहाड़ी। शहडोल जिले के में बांधवगढ़ पहाड़ियों के सिंध पर्वत में स्थित है। जो शहडोल जिले के बांधवगढ़ पहाड़ियाँ हैं वो सिंध पर्वतमाला का पार्ट। ठीक है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विंध्य सरणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आ कह रहा मिकाई सरणी, बा कह रहा गुरविल चोटी, सा कह रहा बैल चोटी और डा कह रहा था कास्केट चोटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरविल चोटी। गुरविल चोटी जो है विंध्य सरणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है, चंबल बेसिन का जो है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ऑप्शन आ है मुरैना, बा कह रहा है ग्वालियर, सा कहता है रीवा और ये जो कह रहा है डी कह रहा है धार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आ कह रहा है बेंगलुरु, बा कहता है इंदौर, सा कहता है चंडीगढ़ और डी कहता है मोहाती। अरे मोहाली होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है? ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का दूसरा जो है सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। आ कह रहा है कि पचमढ़ी है, बा कहता है चौरागढ़ है, सा कहता है मार्गी है और दा जो कह रहा है बड़ा तालाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरागढ़। पचमढ़ी तो फर्स्ट है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पचमढ़ी में धूपगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? आ कह रहा है कि मांडू, बा है अमरकंटक, सा कह पचमढ़ी और डा कह रहा है ओमकारेश्वर। तो मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो पचमढ़ी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ये तो कई बार रिपीट हुआ है, धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, तो ये तो एक बार में ही कर देंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भयानक एग्जाम में पूछा गया, एसआई में हर एक एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है? मार्बल रॉक जो है किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है नीमच, बा कहता है ओरछा, सा कहता है जबलपुर और दा कहता है पचमढ़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सा जबलपुर। अगला क्वेश्चन, संगमरमर की चट्टानें डैश डैश है शहर के समीप पाई जाती हैं, जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो किस शहर के समीप पाई जाती हैं? तो ऑप्शन आ कह रहा है पचमढ़ी, बा कह रहा है बालाघाट और सा कह रहा है जबलपुर और दा कह रहा है शाहगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78, बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो बुंदेलखंड के पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? ऑप्शन ए कह रहा है कि होशंगाबाद, बी कह रहा है भोपाल, सी कह रहा है शिवपुरी और डी कह रहा है सांची। तो ये जो बुंदेलखंड के पठार में कौन है? शिवपुरी है। अगला क्वेश्चन है, रीवा पन्ना के पठार को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो रीवा पन्ना के पठार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आ कह रहा है कि भिंड के पठार के नाम से, बा कह रहा है भांडेर के पठार के नाम से, सा कह रहा है सतपुड़ा के पठार और दा जो कह रहे हैं मालवा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भिंड के पठार हो जाएगा। रीवा पन्ना का जो पठार को बिंदी के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी, सतना जिला जो है वो एक्चुअली में ऊपर साइड है तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को अपना साझा करता है। तो आंसर सी बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? मध्य प्रदेश से जो कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो मध्य प्रदेश ऑप्शन ए कह रहा है, आ कहता है मकर, बा कहता है कर्क रेखा, सा कहता है आर्कटिक वृत्त और दा कहता है भूमध्य। तो मध्य प्रदेश से जो गुजरता है वो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? तो आ कहता है शाजापुर, बा कह रहा है मंडला, सा कह रहा है देवास और दा कह रहा है रतलाम। तो करेक्ट ऑप्शन जो मंडला होगा वो मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, डैश है
चमड़े के खिलौने का जीआई टैग मिला हुआ है, कि चमड़े के खिलौने का जीआई टैग मिला हुआ किसे? ऑप्शन ए कह रहा है इंदौर को, बा कह रहा है टीकमगढ़ को, सा कह रहा है धार को, और दा कह रहा है दतिया को। जिसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इंदौर, इंदौर को जो चमड़े के खिलौनों का जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? आ कह रहा है कि 8, अगला कह रहा है बा जो है 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, सा कह रहा है 11, और दा जो कह रहा है वो 10। जैसे करेक्ट आंसर जो होगा 9। ठीक है, बा ऑप्शन। तो मध्य प्रदेश को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का डैश डैश राज्य था। यानी कि कह रहा है कि मध्य प्रदेश का जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, तो उस समय क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य था? तो उस समय तो भारत का नंबर वन राज्य था क्षेत्रफल के हिसाब से। अब जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो गया, तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे आ गया, और पहले स्थान पे कौन चला गया? पहले स्थान पे इस समय राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी जो है उसकी औसत ऊंचाई क्या? आ कह रहा है कि 300 मीटर, बा कह रहा है 400 मीटर, सा कह रहा है 200 मीटर, और दा ऑप्शन जो कह रहा है 100 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आ 300 मीटर, जो नर्मदा घाटी है उसकी औसत ऊंचाई है लगभग 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम से बताइए। यानी कि होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए है विंध है, बी अरावली है, सी सतपुड़ा है, और डी जो है मैकाल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी सतपुड़ा, होशंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के डैश डैश भाग में स्थित है। जो बघेलखंड है मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? आ कह रहा है उत्तर पूर्वी, बा कह रहा है दक्षिणी, सा कह रहा है उत्तरी, और दा जो कह रहा है पश्चिमी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में बघेलखंड मध्य प्रदेश की स्थित है। बघेलखंड में ये रीवा मौसम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन है, कि एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है गोंडवाना भूमि, बी कह रहा है दक्षिणी भूमि, दक्षिणी पठार, सी कह रहा है दा कह रहा है बुंदेलखंड, और साफ बुंदेलखंड, और दा कह रहा है पूर्वी भूभाग। ऐसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आ हो जाएगा गोंडवाना भूमि। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, सॉरी 90 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। आ कह रहा है कि सोन घाटी, बा है नर्मदा घाटी, और सा जो है ताप्ती घाटी, और दा कहता है चंबल घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर चंबल घाटी, चंबल घाटी एक भ्रंश घाटी नहीं है, रिफ्ट वैली नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? आ कह रहा है जबलपुर, बा कह रहा है पचमढ़ी, सा कह रहा है अमरकंटक, और दा कहे तो बड़वानी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बा पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ ऑप्शन कह रहा है बुरहानपुर, बी कह रहा है सागर, सा कह रहा है छतरपुर, और दा कह रहा है दमोह। जिसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर को दक्षिण का, मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी है वो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ए ऑप्शन है विंध्याचल एवं अरावली, बी ऑप्शन कह रहा है विंध्याचल एवं सतपुड़ा, सी ऑप्शन कहता है विंध्याचल एवं पूर्वी घाट, और डी कह रहा है विंध्याचल एवं पश्चिमी घाट। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? इस समय मध्य प्रदेश में करंट में 10 संभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो इस समय बताए ऑप्शन ए कह रहा है कि 49 है, बा कह रहा है 50 है, सा कह रहा है 52 है, और दा कह रहा है 48। इस समय मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को भौगोलिक सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? आ कह रहा है मंडला, बा कह रहा है कि छिंदवाड़ा, शाह कह रहा है शिवनी, और दा कह रहा है जबलपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है।
ठीक है, और सबसे छोटा जिला जो है वो निवाड़ी है, ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा जिला, ये एरिया वाइज भी है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2002 को, 31 अक्टूबर 2000 को, सा कह रहा है 26 जनवरी 2000 को, दो को, और दा कह रहा है 15 अगस्त 2002 को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के विकास खंडों की संख्या, मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है इस समय, मध्य प्रदेश में इस समय 313 विकास खंड है। अपना मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 348, बा कह रहा है 345, सा कह रहा है 337, दा कह रहा है 342। इस समय प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 424 तहसीलें हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है, ये मध्य प्रदेश में जो अभी जैसा रूप है वो किस सन से है, तो ये है ऑप्शन सा है 1/1/2000 से है, ठीक है। ग्यारह 2000 से, सॉरी। अगला क्वेश्चन है भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, भोपाल से पहले काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अभी इस समय तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है नागपुर, बी कह रहा है इंदौर, सी कह रहा है रामपुर और डी कह रहा है उज्जैन। तो इसके पहले राजधानी थी नागपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया, ठीक है। आ कह रहा होशंगाबाद को, बा कह रहा है शहडोल को, सा कह रहा है रीवा को, और डा कह रहा है इंदौर। मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग बनाया गया था ये बनाया गया था शहडोल को, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग संभाग। अगला क्वेश्चन नर्मदापुरम क्या है, नर्मदापुरम एक संभाग है, बी कह रहा है बांध है, सी कह रहा है कि तीर्थ स्थल है, और डी कह रहा है कि पर्यटक स्थल। तो ये नर्मदापुरम एक संभाग है, ऑप्शन हाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 6 जिले आते हैं, बी कह रहा है 7 जिले आ रहे हैं, सी कह रहा है 8 जिले आते हैं, और डी कह रहे हैं कि 5 जिले। उसका करेक्ट आंसर भी होगा बा हो जाएगा, 7 जिले आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है, नर्मदापुरम जो है किस संभाग का नया नाम है। तो ऑप्शन आ कह रहा है कि होशंगाबाद, बा कहता है शहडोल, सा कहता है जबलपुर, और डा कहता है रीवा। तो उसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा कि होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो मध्य प्रदेश अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला जो मध्य प्रदेश का नया जिला जो बना है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी पहले क्वेश्चन है 2016 का ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का भाग नहीं है, तो देखो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, कौन सा आता है, भिंड मुरैना और श्योपुर। तो ये दतिया जो होगा पार्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन जबलपुर का एक महत्वपूर्ण शहर है, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबलपुर जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आ कह रहा है महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बा कहता है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत है, सा कहता है मालवा के क्षेत्र के, और दा कहता है छोटा नाग। इसका करेक्ट जो हो जाएगा आ हो जाएगा महाकौशल, जबलपुर जो है महाकौशल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है, ठीक है। रीवा संभाग की बात कर रहे थे, देखो रीवा संभाग जो है उसमें रीवा संभाग में 4 जिले हैं, ठीक है, ओके। कौन से हैं, एक तो रीवा ही है, ठीक है, और 3 जो जिले हैं वो आप याद कर लीजिएगा सासा से सतना हो गया, सीधी हो गया, और सिंगरौली हो गया, सीधी और सिंगरौली, ठीक है। तो 4 जिले, एक सासा वाले जिले, तीनों और रीवा हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पन्ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तभी मनाया जाता है, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील
कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी तहसील, आ कह रहा है कि इंदौर है, बा कह रहा है कि अजयगढ़ है, सा कह रहा है कि भोपाल है, और दा जो है कह रहा है कि वो दतिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग है, ऑप्शन ए कह रहा है कि जबलपुर, बी कह रहा है इंदौर, सी दतिया, और डी कह रहा है अजयगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जबलपुर। जबलपुर जो है अधिकतम क्षेत्र वाला संभाग है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा बड़ा जिला कौन सा होता है? छिंदवाड़ा है। और सबसे छोटा जिला अभी बताऊँ कि निवाड़ी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और ये दतिया पहले था, अभी इस समय कौन सा? निवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था तो कौन सा शामिल नहीं था राज्य? तो देखो, आ ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश का पार्ट ए स्टेट, बा ऑप्शन कहता है पार्ट बी स्टेट, सा ऑप्शन कहता है पार्ट सी स्टेट, और दा कहता है पार्ट डी स्टेट। इसमें करेक्ट होगा पार्ट दा ऑप्शन, पार्ट डी स्टेट शामिल नहीं था उस समय। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अब देख, कुछ समय पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ये जबलपुर संभाग है। अगला क्वेश्चन, कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले? आ ऑप्शन कह रहा है 45 जिले थे, बा ऑप्शन कहता है 42 जिले, सा ऑप्शन कहता है 43 जिले, और दा ऑप्शन कहता है 44। जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 52 जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ था? कौन सी डेट को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था? तो मध्य प्रदेश के गठन किस तिथि को, अगला देखिए, ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को समावेशित किया गया था? जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है मध्य प्रदेश से अलग होके, उसमें मध्य प्रदेश के कितने जिलों को दिया गया था? तो ऑप्शन आ कह रहा है 14 जिले को, बा कह रहा है 15 जिले को, सा कहता है 16 जिले को, और दा कहता है 17 जिले को। इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सा 16 जिले को, मध्य प्रदेश के 16 जिले को छत्तीसगढ़ में समावेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा? देखो, 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना, अभी नहीं हमें बताना, अभी तो निवाड़ी है, पर 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार से दतिया छोटा जिला था सबसे। ठीक है, भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, तो भोपाल को किस वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन कह रहा 1992 में, बा कह रहा 1938 में, सा कह रहा 1956 में, और दा कह रहा 1947। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो जबलपुर संभाग जो है उसमें कितने जिले हैं? आ कह रहा है 5 जिले, बा कह रहा है 6 जिले, सा कह रहा है 7 जिले, और दा कह रहा है 8 जिले। तो करेक्ट आंसर 8 जिले हो गए, मध्य जबलपुर संभाग में 8 जिले। और एक और है इंदौर, इंदौर संभाग जो है, इंदौर संभाग में भी 8 जिले हैं। ठीक है, ये दोनों को याद रखें, जबलपुर और इंदौर संभाग में 8 8 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, 51वां जिला आगरमालवा किस वर्ष बनाया गया था? आगरमालवा जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है वो किस ईयर बनाया गया था? ऑप्शन क्या है, 2011 में, बा कहता है 2013 में, शाह कहता है 1938 में, और दा कहता है 2000 में। तो आगर मालवा जो बनाया गया 2013 में बनाया गया था। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जब भोपाल को जिला बनाने से पहले किस जिले की तहसील थी? ठीक है, तो भोपाल ऑप्शन कह रहा है रायसेन, बा कहता है सीहोर, सा कहता है भिस्सा, और दा कहता है मंदसौर। तो ये करेक्ट आंसर होगा सीहोर, सीहोर जिले की तहसील था भोपाल। अगला क्वेश्चन है, इंदौर डिवीज़न में कितने ज़िले हैं? जो इंदौर का डिवीज़न है उसमें कितने ज़िले हैं? तो वो अभी अभी बताया था, उसमें 8 ज़िले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में ज़िले हैं? तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जो जबलपुर 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 जो है और इंदौर, इन दोनों संभाग में 8 8 ज़िले हैं। तो हालांकि क्वेश्चन
इसमें तो दो ऑप्शन सही हैं, जबलपुर भी सही है और इंदौर भी सही है, ठीक है। तो इसमें आठ आठ चाहिए, ठीक है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? कि जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था तो उस समय मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे? आ कह रहा है 41, बा कहता है 42, आ कहता है 43 और दा कहता है 40। तो इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 43 जिले थे। सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? देखो सीहोर से भोपाल, पहले भोपाल जो तस्योर की वो तहसील था, कब अलग दिया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1973 में, बा कहता है 1974 में, सा कहता है 1971 और दा कहता है 1972। तो करेक्ट आंसर है 1972 में सीहोर से भोपाल जिला को पृथक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा छिंदवाड़ा है, ठीक है। सबसे छोटा जिला जो होगा निवाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? सबसे ज़्यादा जिले कौन से संभाग में हैं? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा इंदौर, और देखो आठ जिले हैं और कहाँ है, जबलपुर में भी आठ जिले हैं, ठीक है, आठ जिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ है? किस जिले का पुराना नाम है ईसागढ़? ऑप्शन ए कह रहा है धार का पुराना नाम है, या खंडवा का पुराना नाम है, या बिरसा का, या फिर गुनागढ़। करेक्ट आंसर गुनागढ़, गुना का जो पुराना नाम है वो ईसागढ़ है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद डैश 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 राज्य का गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश से विभाजित करने के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? और ऑप्शन कह रहा है छत्तीसगढ़ का, और जो है झारखंड का, सा कह रहा है उत्तराखंड का, और डा कह रहा है बिहार का। तो ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से विभाजन किया गया था 1 नवंबर 2000, ठीक है। और इसमें कितने जिले शामिल थे? 16 जिले शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरमालवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने मंडल या डिवीज़न हैं? तो मध्य प्रदेश में इस समय जो है 9 मंडल या 9 डिवीज़न हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है। तो मध्य प्रदेश में बताना है कि वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश में जो राज्य में ऋतु वेधशाला है वो है इंदौर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? अभी तो अधिकतम वर्षा की बात चल रही थी, अब न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ये होती है भिंड के गोहद पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 11। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएँ पाई गई हैं, पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है 3। तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? तो ये हो जाएगा ए नवंबर माह से मध्य प्रदेश में
सर्दियां जो है वो शुरू होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा एक उत्तर पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से किस जिले में गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो ये हो जाएगा सतना, सतना को इस प्रोजेक्ट के अंदर सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो ये होते हैं तीन, मध्य प्रदेश में प्रमुख तीन मौसम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा, भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? तो ये हो जाएगा 12.4%, ठीक है, भारत की टोटल वन भूमि का मध्य प्रदेश में 12.4% है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? ये हो जाएगा मध्य भारत में, मध्य भारत में सागौन काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे उगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन है? तो वन का प्रतिशत बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र में वन है, तो ये हो जाएगा 30% क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 30% क्षेत्र में वन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल देश में पाया जाता है, तो ये होता है रातापानी बाघ अभयारण्य के पास पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, खैर वृक्ष से क्या निकलता है? हमें बताना है कि खैर का जो वृक्ष होता है उसे क्या निकलता है, तो खैर के वृक्ष से निकलता है कत्था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो मध्य प्रदेश के किस जगह है? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी भोपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस साल से प्रभाव में आया था? तो ये आया था 1972 से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत में जो बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शाजापुर, जो मध्य प्रदेश का शाजापुर है वहाँ सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? हमें बताते हैं कि वन विद्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी धार, जो धार है वहाँ पर वन विद्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 24 जुलाई 1975 को, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, इमारती लकड़ी और बांस का है, और तेंदुपत्ता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित वन समूह में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन कौन सा है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा, देखिए, अश्वगंधा भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है और बेल भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये होगा डी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा,
लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता दोनों मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था 2001 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा किसली। देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि तो ये एक बार 2 दिन बाद इसके बारे में और जान लीजिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए पहला तो ये जान लीजिए कि ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये जो बना था, ठीक है, कान्हा किसली 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था, ठीक है, और 1933 की बात करें तो इसको 1933 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था, ठीक है। और 1974 में, पॉइंट और याद कर लीजिएगा, 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और इसके बारे में एक दो चीज़ और पॉइंट याद कर लीजिएगा कि ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पता चल गया। और नेक्स्ट क्या है कि इस जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ हवाई पट्टियाँ भी बनी हैं, ठीक है, हवाई पट्टियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, काफ़ी है इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है धार जिले में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु तो किस राष्ट्रीय पार्क के अभयारण्य का चयन किया गया? तो ये किया गया पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये एक्चुअली क्या है, बॉर्डर पे है किसके, श्योरपुर और मुरैना, ठीक है, ये दोनों के बॉर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो देखो इसको पहले मैं बता चुका हूँ कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। देखो MBBS से देखा 2003 का बैकलॉग का पेपर है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा का किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में है? तो ये जो है किस जिले में है, मंडला, ठीक है, मंडला, और एक साथ और भी जिला जुड़ा हुआ, बालाघाट, अगर बालाघाट भी आए ना तो बालाघाट भी है, बस ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, मंडला और बालाघाट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो ये है पचमढ़ी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, कोयले की खान के लिए राष्ट्रीय उद्यान, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग के क्षेत्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ग्वालियर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पास स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, उमरिया, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि फासिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडला जिले पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली में क्या है तथा वह किस जिले में है? तो कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ स्थित है, मंडला और बालाघाट में, जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव जैव उद्यान किस जिले में है? जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? तो ये आता है सीधी में,
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इस समय प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन है, सांख सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान पे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था? तो ये पकड़ा गया था रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड है रीवा, वहाँ सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है राला मंडल इंदौर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है घुघुआ, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में इस समय टोटल कितने अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश में है इस समय 25 अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ओरछा जो है टीकमगढ़ जिले में आता है। अगला क्वेश्चन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वन विहार जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नौरा देवी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है नौरा देवी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो टाइगर राज्य ये है मध्य प्रदेश को, देखिए मध्य प्रदेश को, ठीक है। इस समय मध्य प्रदेश में कितने टाइगर है? देखो 2018 में गणना हुई थी तो मध्य प्रदेश में लगभग थे 526 टाइगर थे, ठीक है। बीच में मध्य प्रदेश में लगभग 2016 के समय टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिया गया और किसके पास गया था? कर्नाटक के पास। लेकिन 2018 में जब गणना हुई तो पुनः मध्य प्रदेश हो गया 526, और कर्नाटक के इस समय 2018 में कितने थे? वो थे 524 टाइगर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है, यह किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है? तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है? तो ये है अनूपपुर में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? तो ये है गांधी सागर अभ्यारण्य के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु तो संभावित स्थान है? तो ये हो जाएगा नौरा देवी सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किसमें कई रॉक आश्रय हैं? तो ये है नरसिंहगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है? तो उमरिया में जो है बांधवगढ़ अभ्यारण्य अवस्थित, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरों की पुनर्परिचित योजना अभ्यारण्य में है? तो ये हो जाएगा पूनोपाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र था? ये था माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी डैश डैश नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है कौन सी नदी है? जो है गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है, और तो ये नदी है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य है मंदसौर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नौरा दही एक अभ्यारण्य है जो डैश डैश में स्थित है? नौरा दही स्थित है सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो मुरैना में जो अभ्यारण्य स्थित है उसे कहते हैं पूनो अभ्यारण्य।
ये मुरैना और श्योरकुट दोनों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में बाघों की सबसे बड़ा घनत्व वाला अभयारण्य कौन सा है। तो भारत बाघों का सबसे बड़ा घनत्व वाला है बांधवगढ़ अभयारण्य। और अगर पूछ ले कि बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं संख्या में, तो ये हो जाएगा कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि रीमा के महाराजा पर कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित किया गया है। तो ये हो जाएगा बांधवगढ़ अभ्यारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम सफेद बाघ सफारी भारत में जिस राज्य में खुली, ये खुली है मध्य प्रदेश में और रीवा। ठीक है, मुकुंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा है, ये हो जाएगा गांधी सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो 1958 में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इंदौर रीजनल पार्क के नाम से। अगले क्वेश्चन में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर ने कब शुरू किया, WW ने कब शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था 1973 में, और भारत में भी 1973 में किया गया था, और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है काला हिरण कहाँ विशेष आकर्षक है। तो ये हो जाएगा सतपुरा अभयारण्य में। ठीक है, इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा मध्य घनत्व की बात कर रहा है, तो घनत्व में हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। ठीक है, और जनसंख्या की बात कर रहा है तो हो जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं में कुल संख्या है, तो ये संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में है। ये हो जाएगा बोरी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन्य अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो ये होगा घाटी गांव अभयारण्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे कि डॉल्फिन -- अभयारण्य के नदियों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है चंबल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, घड़ियालों का प्रजनन स्थल है कौन सा अभयारण्य है, तो ये हो जाएगा सोन अभयारण्य। अगला क्वेश्चन जो होगा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखो, बांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है, और कान्हा किसली मध्य प्रदेश का, और माधवी राष्ट्रीय उद्यान मध्य, और जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि शिवपुरी जिले में कौन सा अभयारण्य महान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा करेरा पक्षी अभयारण्य जो है भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है वो कौन सा हो जाएगा, वो पन्ना रिजर्व होगा। अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है, कहाँ पास है, यह शिवपुरी अभयारण्य में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी डोंगी नाव जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है, ये होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। तो जीवाश्म पार्क जो है वो है डिंडोरी में, हालांकि यहाँ इस ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा कहाँ स्थित है, डिंडोरी में, गलत ऑप्शन है इस पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फेन अभयारण्य कहाँ है।
हेन अभयारण्य जो है मंडला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? केन घड़ियाल अभयारण्य जो है वो छतरपुर में स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश में डैस अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ है वो चीतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, एक अभयारण्य जो भिंड में स्थित है, तो भिंड में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ये हो जाएगा चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ये भिंड में है। अगला क्वेश्चन है, सरदारपुर अभयारण्य प्रतिबंधित किया जाता है डैश डैश की सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? ये हो जाएगा खारमोर पक्षी, एक पक्षी है खरमोर, उसके लिए ये सुरक्षित किया गया है। अगला है, प्रियदर्शनी पार्क स्थित है, तो प्रियदर्शनी पार्क कहाँ स्थित है? प्रियदर्शनी पार्क स्थित है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, कि ऐसा कहा जाता है बगदरा अभयारण्य में मिश्रित वन है, मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण होगा ताल और वनस्पति, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी केन से होकर गुजरती है, तो केन नदी जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, करेरा अभयारण्य इस साल में स्थापित किया है, तो करेरा अभयारण्य जो है वो किया गया है 1981 में, और ये कहाँ है? ये है शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है और मध्य प्रदेश में? तो ये है कान्हा किसली का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के डैश डैश जिले में स्थित है और वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, तो बांधवगढ़ जो है उसको वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, और 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मैं बताना है कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। देखो, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, वन विहार भी मध्य प्रदेश में, और ये जो सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो फासिल है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेरा वन जीव अभयारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी? तो ये की गई थी सोन चिड़ैया के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? ये हो जाएंगे 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताना है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा है कान्हा किसली है, और सबसे छोटा जो है जीवाश्म है, डिंडोरी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा बघेलखंड क्षेत्र में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभयारण्य है, तो जवाहर सागर बांध के निकट कौन सा अभयारण्य? चंबल अभयारण्य, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरी वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से समृद्ध है? तो ये हो जाएगा बांस से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत में कौन से वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारासिंगा नामक एक मैस्कॉट अपनाया है? तो ये अपनाया था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? देखिए, शुरू में ही बताया था कि 1974 में इसको किया गया था, तो ऑप्शन देखिए टाइगर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये होगा 74 नहीं है तो तिहत्तर। देखो, 1973 में मुझे टाइगर लाया गया था, जिस उसके बाद ही इसको टाइगर रिजर्व में कर दिया गया था, ठीक है, 1974 में, हालांकि ऑप्शन नहीं है तो 73 ही कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पेंच बांध बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? तो पेंच जो बाघ रिजर्व जो है किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है इस नदी के नाम पर है, ठीक है।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1983 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जीवमंडल रिजर्व है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अमरकंटक। अमरकंटक जो है जीवमंडल रिजर्व है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित बाघ अभयारण्य में से पर चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है? कौन से अभयारण्य में से चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है? तो ये होगा बांधवगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और डेस जिला में विभाजित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सिवनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न जो है वो है बाराशिंघा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। इस सीरीज में 250 क्वेश्चन ही रखे हैं, हर एक सीरीज में तो एक 250 क्वेश्चन कर करके जो होगी 8 सीरीजों में 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और जो ये जो क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन होंगे व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी विभिन्न एग्जाम हुए हैं आज तक के सारे एग्जाम को उठाए क्वेश्चन है। यदि आप इन सब क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित ही आगे जो भी एग्ज़ाम 2022 में देना है वो लाभदायक होगा और फायदेमंद होगा। जितने कवर कर लेंगे तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और बेटर होगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।